नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण केरकेट्टा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, बालाजी हॉस्पिटल मोवा रायपुर में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको एक समस्या के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जो समस्या को लेकर पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं, वो समस्या है पेशाब नली का सिकुड़न, जिसको हम यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर भी कहते हैं। और ये जो समस्या है, उसके जो सिम्टम्स हैं जिसके कारण पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो ये होता है कि पेशाब करने में पेशेंट को दिक्कत होती है। जिस धार से पेशाब होना चाहिए, उस धार से पेशाब नहीं होती, पतले धार से पेशाब होती है, बूंद बूंद करके पेशाब होती है। पेशेंट को जोर लगाना पड़ता है पेशाब करने में। पेशेंट को पेशाब में जलन की समस्या रहती है, बार बार पेशाब आने की समस्या रहती है। और कई बार क्या होता है कि पेशाब धीरे धीरे आने की वजह से पेशाब की थैली में पेशाब का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब की थैली के पास एक भारीपन महसूस होता है। और कई बार ऐसे पेशेंट्स को रात में बिस्तर गीला करने की समस्या रहती है। और अगर ये समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, तो उससे क्या होता है कि किडनी में प्रेशर पीछे बढ़ जाता है, किडनी में सूजन आना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी का काम ख़राब होता है। तो हमको इसका इलाज समय पर कराना बहुत ज़रूरी है। और इस जो समस्या है, उसके कई कारण होते हैं, और इनमें मुख्य कारण में जो होता है वो है पेशाब नली का इन्फेक्शन। और जिनको लंबे समय से पेशाब नली का इन्फेक्शन होता है, उनमें ये समस्या आती है नली की सिकुड़न की। और दूसरी वजह होती है, कई बार एक्सीडेंट की वजह से जो पेल्विक बोन फ्रैक्चर होता है, उसकी वजह से भी पेशाब नली में समस्या आ सकती है। और कई बार पेशेंट लंबे समय तक कैथेटर पर रहते हैं, पेशाब की नली का कैथेटर उनको लगा होता है, उनकी वजह से भी कई बार पेशाब नली में स्ट्रिक्चर की समस्या होती है। और इसके इलाज के पहले हम मरीज की जांच करते हैं। इस जांच में हम ये देखते हैं कि जो स्ट्रिक्चर है उसकी लंबाई कितनी है, और वो पेशाब नली के किस जगह पर स्थित है, उसके अनुसार हमारा इलाज डिसाइड करते हैं कि हम उनका किस तरीके से इलाज करेंगे। छोटा स्ट्रिक्चर जो होता है या सॉफ्ट स्ट्रिक्चर होता है, उसका इलाज आसानी से हम दूरबीन के द्वारा कर सकते हैं। और इसमें मरीज को कम दिन के लिए भर्ती होना पड़ता है, पेशेंट एक दो या तीन दिन में हम अस्पताल से डिस्चार्ज कर सकते हैं। जो स्ट्रिक्चर लंबे होते हैं, जो पूरी नली पे होते हैं, उनका इलाज फिर ओपन सर्जरी के माध्यम से किया जाता है। इसमें हमें मुंह की चमड़ी लगानी पड़ती है, और इस सर्जरी के माध्यम से लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट जो पेशेंट का होता है वो अच्छा आता है, और उसको दोबारा सिकुड़न की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अच्छा, ऐसे मरीज जिनको इस तरीके की समस्या है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी यूरोलॉजिस्ट आपके क्षेत्र में हैं, उनके पास जाइए, ताकि वो आपका जाँच करके आपका उचित समय पर सही इलाज कर सकें। धन्यवाद।